ये प्रेजेंटेशन का सिलसिला सिर्फ इस क्लास तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमारे जाने के बाद भी आप लोग ऐसे प्रेजेंटेशन को दीजिए, परफॉर्म कीजिए, आप लोग कॉपी को तैयार करके आइए, आप सर से मिलिए, यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। कभी कभी मौके मिलते नहीं, मौके बनाए जाते हैं, ठीक है, तो मौकों को आप बनाइए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए ना कि तो आप लोगों को ये हमारी टीम एक्सप्लेन करेगी अलग अलग टॉपिक पे, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कुमार पांडे, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा, एंड माय टुडेस टॉपिक इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अपनी और अपनी क्षमताओं के बारे में थोड़ा सा संदेह या किसी व्यक्ति या चीज पर विश्वास होने की भावना है। गुड मॉर्निंग आल आसू, माई नेम इज विजयनाथ कुशवाहा, आई एम फ्रॉम कुशीनगर। आप लोगों को मैं आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर चार लोगों के सामने, दस लोगों के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत होनी चाहिए, अर्थात आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम मैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। माय नेम इज दीपक मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम गोंडा। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल टू इन विच फिजिकल एक्सप्रेशन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्किल के बारे में। स्किल एक इनर टैलेंट होता है, यदि स्किल को बिल्ड भी कर सकते हैं अगर। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज रवि कुमार। मैं आप लोगों को आज कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, हम अपनी बातों किसी प्रतिकूल। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम अनंत कुमार। आप सभी को बताना चाहता हूँ बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज के मैं थर्ड पॉइंट आपकी फेस, यानी कि आपकी जो हेड वो जिससे कम्युनिकेशन करते हैं उसके सामने आपका सिर जो रहना है उन्हें सीधा रहना चाहिए, और दूसरा और लिप्स जैसे कि आप सभी को ठीक। गुड मॉर्निंग, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने समय को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करना। टाइम मैनेजमेंट कई लोगों के लिए अलग होता है, जैसे कुछ लोग के लिए जैसे स्टूडेंट के लिए अलग होता है, स्टूडेंट हो गए, फिर टीचर हो गए, टीचर के लिए अलग होता है, फिर कुछ बिजनेसमैन हो गए, और फिर क्या कहते हैं जिनको जॉब देना उनका उनका अलग रहता है। किस तरह से फॉलो करेगा आपको सर? उसके लिए मतलब हम खुद से अंदर से मेहनत करना पड़ेगा। मान लीजिए एक दिन किए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर उसके बाद हाँ कही वो जरूरत भी है और कहीं जगह जरूरत नहीं। मतलब जैसे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ आमिर खान, आई एम फ्रॉम नोएडा। आज मैं आप लोगों को स्किल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो स्किल इसकी डेफिनेशन होती है टू परफॉर्म एनी टास्क यू नीड ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इस कार्य स्किल। तो स्किल को हम व्यवहारिक रूप में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जिसको आप ट्रेनर या स्टूडेंट हम आप लोगों को बताएंगे नॉलेज के बारे में। जैसे कि हम कोई टॉपिक के बारे में बता रहे हैं किसी को, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर हम मेरे पास खुद ही नॉलेज नहीं तो हम दूसरों को कैसे समझाएंगे? हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में ये होता है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, तभी हम किसी को बता सकते हैं। कविता आएंगे जो कि आपको बताएंगी उसने और उसकी बातों को अच्छे से सुनते हैं। वो कैसा स्कूल आपको?